साल 2015 में यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा। प्रश्न था विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, या फिर विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना। महासागरों में अलग अलग वजहों से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है, जैसे पृथ्वी का घूर्णन। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, ऐसे में घूर्णन के साथ भूमि का हिस्सा तो पूर्व की तरफ चला जाता है, लेकिन महासागरीय हिस्सा अधिक भार के कारण पीछे हटता दिखता है। लिहाजा जल तरंगे और धाराएं पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती हैं। इन्हें विषुवतीय जलधारा कहते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा और दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा का जन्म होता है। जब ये दोनों जलधाराओं का जल पश्चिम में इकट्ठा होता है तो पूर्व की तरफ जलधारा चलने लगती है, जिसे इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।